रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव पाली जिले के दौरे पर रहे। देर शाम पाली पहुंचे, जहां नगर परिषद सभागार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। रविवार की सुबह सोमनाथ मंदिर महाराणा प्रताप स्टेच्यू पहुंचे। उसके बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि मोदी सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है और पिछले 7 साल से रेलवे में स्वच्छता पर काफी ध्यान दिया गया है, जिससे रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म साफ सुथरे नजर आने लगे हैं। अब मैं रेल मंत्री बन गया हूं, मेरा दायित्व है पाली जोधपुर सहित पश्चिमी राजस्थान का ध्यान रखा जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी कुमार सांडेराव सुमेरपुर फालना में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद दोपहर बाद रेल द्वारा दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। माना जा रहा है कि आगामी चुनाव को लेकर रेल मंत्री की ये यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है। वीरों को जनने वाली इस पवित्र भूमि में, इस गौरवमय भूमि में आके जो मुझे आप सबने आशीर्वाद दिया, पाली में, मारवाड़ में, गोड़वाड़ की इस मेवाड़ की इस धरती में आपने जो आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। इस मिट्टी से मैं तो इनिज माटी रो जायो जन्मियोड़ो हूँ, तो जो कुछ मातृभूमि के लिए हो सकेगा वो मैं जरूर करूँगा आने वाले दिनों में। सर, रेल की प्रगति नहीं की जा रही है पूरे देश में, रेलवे की चाहे हो, कम्युनिकेशन की हो, पोस्ट की हो, एकदम आपको आपको सबको ध्यान है। मोदी जी का सपना है अंत्योदय का सपना, गरीब से गरीब क्षेत्र में, अवहेलित क्षेत्र में, वंचित क्षेत्र में, दूर दराज के क्षेत्रों में जो आधुनिक से आधुनिक सुविधाएं पहुंचाने की बात है, उसके लिए हम सब प्रयत्नरत हैं। और आपने देखा पिछले 7 साल में रेलवे में सफाई, पंक्चुअलिटी, ट्रेनें साफ हैं, स्टेशन साफ है, तो वो सब अब और भी अधिक मात्रा में आगे जाएंगे। सर, पश्चिमी राजस्थान के लिए, पश्चिमी राजस्थान का विशेष स्थान है मोदी जी के हृदय में, हम सबकी जिम्मेदारी है पश्चिमी राजस्थान को जितनी फैसिलिटीज चाहिए उसके लिए पूरा प्रयास करें। सर, आपके जिले में अगर बात करें तो पिछले जून से अब तक 20 लाख ऐसे व्हाट्सएप अकाउंट बंद किए गए जिनका दुरुपयोग किया जा रहा था, आगे क्या रणनीति है? देखिए, आप सब जानते हैं सोशल मीडिया का बहुत बड़ा सदुपयोग है, साथ ही साथ हम सबको, समाज को, पूरे समाज को आज एक सावधान रहने की भी ज़रूरत है कि सोशल मीडिया से हमारे में से किसी का भी, आपका किसी का भी एक क्षण में कोई भी दुष्प्रचार भी किया जा सकता है, इसलिए अपने को बहुत सावधानी से बात करनी है।